क्या आपको लगता है कि फोटोग्राफर आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करता है? समय, शायद आपको लगे कि ये कुछ घंटों का काम है, लेकिन आप कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि एक फोटोग्राफर का लोकेशन तक की ट्रैवलिंग में लगने वाला समय, शूट से पहले नेगोशिएशन का समय, वास्तविक शूट का समय, डेटा के ट्रांसफर से लेकर बैकिंग अप में लगने वाला समय, केवल प्रोसेसिंग के बाद की प्रक्रिया, पोस्ट प्रोसेसिंग में ही पूरा दिन लग जाता है, तो कई बार उससे ज्यादा समय भी, जो तस्वीरों की संख्या पर निर्भर है। क्लाइंट के साथ उन फोटो को देखने, फिर फोटो चुनने में लगने वाला समय, इक्विपमेंट्स। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को रेगुलर बदलते तकनीक के साथ खुद को अप टू डेट रखना पड़ता है। वे हजारों रुपए कैमरों के विभिन्न प्रकारों के उपकरण, बेहतरीन लेंसेज, ट्राइपॉड्स, लाइट स्टैंड्स, बैकड्रॉप्स, सामान रखने वाले केसेस के लिए खर्च कर देते हैं। अतिरिक्त खर्च, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स वेबसाइट, स्टूडियो का किराया, बिजली और फोन बिल का भी भुगतान करते हैं। इतना ही नहीं, वे सॉफ्टवेयर्स के व्यावसायिक लाइसेंस भी खरीदते हैं। कौशल, एक अच्छे फोटोग्राफर होने के अलावा उन्हें सीईओ, मार्केटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, सेल्स पर्सन, प्रोडक्शन वर्कर, परचेजर, निगोशिएटर, ड्राइवर, नेटवर्कर आदि की भूमिका भी निभानी होती है। अनुभव, अनुभव एक ऐसी चीज है जो सब पर भारी पड़ती है, और प्रोफेशनल लोग काफी अनुभवी होते हैं। वे आपको उन तमाम चीजों के लिए सलाह दे सकते हैं जिनके बारे में आप आसानी से निर्णय नहीं ले पाते। सहायक और मदद, उनके पास एक छोटी सी टीम होती है, चाहे वे लोकेशन पर हो या स्टूडियो में। फोटोग्राफर अपनी आय से उनका भी भुगतान करते हैं। यूनिकनेस एंड क्वालिटी, प्रोफेशनल लोगों का अपना एक अलग अंदाज होता है ताकि हर शूट अलग दिखे। वे अपने क्लाइंट्स के पसंद का पूरा ख्याल रखते हैं और मनमाफिक नतीजे देते हैं। रिटर्न्स, सच्चाई यही है कि आपने जिसके लिए कीमत दी है वो आपको मिलता है। आपको मिली फोटोज पूरी तरह से पैसा वसूल होती हैं। इसीलिए अगली बार अगर आप सोचे कि फोटोग्राफर ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, तो इन बिंदुओं पर जरूर गौर कीजिएगा। Thank you.